दोस्तों कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंडी पे के बारे में। फ्रेंडी पे 2-3 महीना हो गया दोस्तों मार्केट में लॉन्च होके। ये भी सेम टू सेम एसटीसी पे के ही तरह है। इससे भी आप 2 से 5 मिनट के अंदर आप अपने घर पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है दोस्तों। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या था कि इसमें आपके पास में फ्रेंडी का नंबर होना चाहिए। अगर आपके पास में फ्रेंडी का नंबर है तो ही आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अदरवाइज आप दूसरे नंबर से इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते थे। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास फ्रेंडी का नंबर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किस तरह से दूसरे नंबर से इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए और देरी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल राज टेक्निकल इन्फो। ओके दोस्तों, मैं भी आपको ले चलता हूं अपने मोबाइल स्क्रीन पे और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास में फ्रेंडी का नंबर नहीं है तो किसी दूसरे नंबर से आप फ्रेंडी पे में किस तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आगे इसी तरह का इंटरेस्टिंग यूजफुल वीडियो देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओके, तो पहले मैं प्ले स्टोर से फ्रेंडी पे एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंडी पे। देखें यहाँ पर सेकंड नंबर में लिखा हुआ है फ्रेंडी पे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं। एप्लीकेशन इंस्टॉल होने तक थोड़ा यहाँ पर वेट कर लेते हैं। ओपन पर क्लिक करके एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। अभी नेक्स्ट पर क्लिक करें। आपके पास जिस भी कंपनी का मोबाइल नंबर है उस नंबर को यहां पर इंटर करें। मेरे पास मोबाइल का नंबर है सो मैं मोबाइल का नंबर यहां पर इंटर कर देता हूं। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। अभी आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहां पर इंटर करेंगे। अभी आपको अपना अकाउंट नंबर यहां पर इंटर करना है, तो चलिए मैं अपना अकाउंट नंबर यहां पर इंटर कर देता हूं। अकामा नंबर इंटर करने के बाद आपके अकामा में जो डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है उसे यहां पर इंटर करेंगे। अभी आप नेक्स्ट पर क्लिक करें। फ्रेंडली पे लॉगिन करने के लिए अभी आपको यहां पर पासवर्ड को क्रिएट करना है। इस पासवर्ड को आप याद रखिएगा, इसी पासवर्ड से आप दोबारा अपना फ्रेंडली पे को लॉगिन कर सकते हैं। पासवर्ड इंटर करने के बाद आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करिए, फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। बिगिन सेटअप पर क्लिक करें। एनेबल जीपीएस पर क्लिक करें। अलाउ पर क्लिक करें। अभी आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अभी आपको आपका आईडी को वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन के लिए आपके पास में दो ऑप्शन दिया गया है। पहला, आप अफसर के थ्रू अपना आईडी वेरिफिकेशन करा सकते हैं और दूसरा, आपको फ्रेंडी के ऑफिस में जाके आपको आईडी को वेरिफिकेशन कराना होगा। तो इसमें बेस्ट है कि आप अफसर के थ्रू अपना आइडेंटिटी को वेरिफिकेशन करा लें। तो मैं अफसर पर क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक करें। अभी आपके सामने नफास का पेज ओपन हो जाएगा। पहले आप इसे इंग्लिश में कर लें। आपको यहाँ पर अपना अफसेयर आईडी का यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाल के इसे लॉगिन कर लेना है। ए
आपने अपसेल में जो मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन कराया होगा उस नंबर पे ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर इंटर कर दें। ओटीपी इंटर करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। आईडी वेरिफिकेशन होने के बाद अभी आपको इनकम का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सबमिट करना है। सैलरी पर क्लिक करें, आपका जो भी इनकम सोर्स है आप उसे सेलेक्ट कर लें। तो मैं सैलरी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपका कितना सैलरी है आप उसे सेलेक्ट कर लें। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। आपका क्या प्रोफेशनल है अपना प्रोफेशनल यहाँ पर सेलेक्ट करिए। यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम इंटर कर दें। नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। ओके दोस्तों, मेरा फ्रेंडलीपे का अकाउंट सक्सेसफुल क्रिएट हो गया है। आप देख सकते हैं मेरा अकाउंट यहाँ पर एक्टिव शो हो रहा है। इसका मतलब फ्रेंडलीपे में मेरा अकाउंट सक्सेसफुल क्रिएट हो गया है। तो दोस्तों, आपने देखा मैंने अपने मोबाइल का नंबर से फ्रेंडलीपे का अकाउंट क्रिएट किया है। इस तरह से आप भी अपना किसी भी नंबर से फ्रेंडलीपे का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं।